हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, जो एबीसी जो है एबीसीडी एक स्क्वायर है जो कि हमें डायग्राम दे रखा है, जिसकी साइड बोलता है 14 सेंटीमीटर है। तो ये और ये साइड जो ये 14 सेंटीमीटर हो गई, और ए बी सी और डी जो इसके बीच में जो बोलता है चार सर्कल हैं जिनके सेंटर ये ए बी सी डी, तो ये चार सर्कल सर्कल इसमें हो गए इस तरह से। कि बोलता है सर्कल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री सर्कल, तो एक सर्कल जैसे ये दो सर्कल को टच कर रहा है, एक जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, वैसे ही ये वाला सर्कल भी इन दोनों को टच कर रहा है यहाँ। तो उस तरह से बोलता है ये डायग्राम है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा, अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, पहले तो हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सेक्टर्स का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब सेक्टर में यहाँ पे देखिए ये क्योंकि स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा सारे एंगल, तो इस तरह से होगा। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ए बी सी डी, स्क्वायर का एरिया तो वो होगा साइड इंटू साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, वो साइड हमारे पास है 14, तो 14 × 14 तो ये आ जाएगा 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ जो है इसमें वो है कि भाई सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, तो देखिए एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे उसको चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा जैसे मैंने कहा हमारे लिए 90 डिग्री का हो जाएगा। आर जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये डी सी जो साइड इसका आधा, तो थीटा हमारे लिए होगा 90 / 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर 14 का आधा तो 7 का स्क्वायर, 7 × 7 इससे इसको डिवाइड करा, 9 × 4 = 36 ये 11 बार में, तो जो यहाँ पे बचेगा वो आएगा 11 × 7/2। तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक सेक्टर का एरिया आया, हमें चारों का निकालना है। तो एरिया ऑफ फोर सेक्टर, तो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे एक का जो एरिया है, तो फिर से वही आ जाएगा 77 × 2 तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सिंपल है, चारों सेक्टर का एरिया आ गया, स्क्वायर का एरिया आ गया, तो स्क्वायर के एरिया में से चार सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ फोर सेक्टर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो है 196 और ये एरिया फोर फोर सेक्टर 154, तो 196 में माइनस करा 154 तो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से है इसका आंसर, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो एक दो बार इस वीडियो को देखना, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।